एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो इंसान की सेहत से मुतल्लिक है आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, नाला लेई के संगम पर डो कस्सू के करीब केमिकल मिला पानी और सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाने का धंधा काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन हुकामे बाला की नज़र इस पर नहीं पड़ती। ये आकर अपनी मुट्ठी गर्म करके चले जाते हैं और आवाम की सेहत से खेला जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे नामा निगार खलील जंजुआ ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है कि हुकामे बाला इस पर नोटिस लेंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की सेहत से खेलने की किसी को इजाज़त ना दी जाए। आप अभी हम भाई से बात करते हैं, ये नीचे जो सब्जियां उग रही हैं गंदे पानी के साथ, इस हवाले से ये क्या कह रहे थे जी जनाब? सर अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर जो जितना भी मसला नाले का गंदा गटर का जो पानी है वो सारा इसी सब्जी में जाते हैं, इसी सब्जियों के वजह से जो है ना, ये हम वही सब्जी रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होता है हमारा, वही बाजार में मंडी में वही आता है हमारा खाने के लिए, मसलन वही इस्तेमाल वाला जो दिन का इस्तेमाल होता है वही चीज़ है, और ये जितना भी गटर का नाले का पानी है उसी में जाते हैं, और ये सी बीमारियां जो फैलते हैं और रुकते नहीं है बीमारियां, तो इसी की वजह से होता है। हम चाहते हैं कि हमारे के लिए कोई सही सा ट्यूबवेल लग जाए जो साफ़ पानी के वजह से ये सब्जियों के इस्तेमाल हो जाए, तो जो है ना यही चाहते हैं। ये जगह जो है गवर्नमेंट की है या मलकीती जगह है? ये तो गवर्नमेंट के लोगों ने कब्जा कर दिया हुआ है, जो मलकीती है उस पर भी जो हो रहा है उस पर भी ये गंदा पानी सारा नालों का जो पानी है उसमें जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं आप? गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो जगह जगह ट्यूबवेल लगाए बिल में उसमें रियायत करे, जो ज़मींदार अच्छे तरीके से उसको पानी दें, वो भी लोग मजबूर हैं ना जो नालों का पानी देते हैं, ट्यूबवेल है नहीं, पानी पीने वाले जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पाइप में भी गंदा पानी आता है। यकीन करो अभी मैं रोज़ हर महीने का 500 रुपये दूसरे बोर वाले को देता हूँ जो उधर से मतलब 2-3 टप के पानी भरते हैं साफ पानी के लिए, तो ये जो है ना ये जो सीवरेज लाइन वाला पानी है ये से ऐसे बदबू इसमें आते हैं जो आपके इस्तेमाल काबिल पानी सब इस लाइन जो है ना बाहर गया है, जो जितने भी गंदम वगैरह हो गए जो सारा उन लोगों ने बेड़ा खा लिया। बात ये है कि हम बस ये यकीन करते हैं कि आप मेहरबानी करें ट्यूबवेल लगाए हर जगह जो लोगों के लिए अच्छी चीज़ मिले, अच्छा सर्वस का है, जो बड़े होते हैं सब अच्छे अच्छे चीज़ सिखाते हैं, गरीब के लिए भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। शक्ल में और मदरसा आगे पीछे इलाके के अंदर, तो उस हवाले से एक अच्छा पैगाम देने के आप दें ताकि ये हमने तो वीडियो ऑलरेडी इसको पैकेज की सूरत में हमने चलाना है, तो एक अच्छा पैगाम आपका किसी का भला हो गया तो इस हवाले से वीडियो क्या कहेंगे? जनाब कारी साहब बैठे हैं, जिससे हम बात करते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं, ठीक पानी है या ये पानी तो ठीक नहीं है, ये सारा कुछ इससे केमिकल वाला पानी आता है और ये सब्जियाँ इस तरह की बीमारियों के सबब भी बनती है। दूसरा जो लोग यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए भी ये मच्छर और ये वो होता है, इसलिए हुकूमत से तो मेरी यही यानी वो है इल्तिजा है, अगर यहाँ पे ट्यूबवेल का बंदोबस्त हो जाए, यहाँ पे सब्ज़ी हो जाए और साफ़ शफाफ सब्ज़ी भी हो जाए सेहतमंद भी हो, और इससे ट्यूबवेल से एक फ़ायदा तो चलो मस्जिद मदरसे के लिए भी हो जाएगा और दूसरा ये सब्जियों के लिए भी हो जाएगा। कि जो मुझे पता नहीं है क्या या जानवर यानी ये खाते हैं उसके अंदर कितना नुकसान है या क्या वो है, बहरहाल ये है कि बेहतर ये है कि यहाँ जो सब्ज़ी उगती है एक जगह फारग है, इससे आवाम को फ़ायदा होता है अगर साफ़ पानी हो जाए यहाँ पर, और दूसरा ये जो मच्छर वगैरह ये गंदगी की वजह से आते हैं इससे ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये सब्ज़ी भी साफ शफाफ हो जाएगी, क्योंकि ये हमें पता है कि ये सब्ज़ी उन्हीं जानवरों को डाली जा रही है कि जो दूध देने वाले हैं, ठीक है, और अगर ये ऐसा करते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट कोई मुतबादल अच्छा इंतज़ाम कर सकती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये इलाके के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, जिन लोगों ने ये ली हुई है ये आगे सब्ज़ियों वालों ने लीज़ करवाई हुई है, नहीं पता नहीं मलकीती नहीं है ये मलकियत ये सरकारी है इसकी, इसके अंडर आ रही ये कैरेज फैक्ट्री रेलवे कैरेज फैक्ट्री के अंडर आ रही है जी, और फिर ये मुझे नहीं पता कि कितने अरसे के लीज़ है ये कितनी लीज़ है ये
आप उन्हीं से मरीज यानी मुख्तलिफ लोग यहाँ पर कर रहे हैं नहीं एक ही आदमी क्या नाम है उनका मुझे ये भी नहीं पता ये कहीं इधर पीछे मोहल्ले का बंदा है ये आप देख सकते हैं और वो सामने उसकी बेंसें वगैरह और ये बाले हैं यही आदमी कर रहा है नाज़रीन अभी हम चलते हैं उस मुकाम के ऊपर जो यहाँ पर भैंसों के बाड़े हैं आइए उनसे देखते हैं कि वो उस वाले से क्या जी नाज़रीन अभी हम उस नाले के पास पहुँचे हैं जो मोज़र सेहत नाला जो पानी यहाँ पर केमिकल का पानी है और गटरों का पानी पूरे इलाके का पानी जो इस नाले के अंदर आता है उसके साथ साथ जो बात करते हैं उन्हें क्या गवर्नमेंट से यानी कि तावन के लिए वो क्या कहते हैं जी जरा हमको सर ये एक ट्यूबवेल चाहिए जो इस पट्टियों में ज़मीनों में सब्जियों को अच्छा पानी लगे और अच्छी सब्जी जो है और माल को भी अच्छा पानी मिले और अच्छा काम आ जाए नतीजा इसका अच्छा ही आ जाएगा और इसलिए हमको गवर्नमेंट का को चाहिए कि हमको एक ट्यूबवेल देना चाहिए तो बना तो यानी पहले जो है ना वो यहाँ पर मोटरों के साथ पानी यहाँ से पहले तो गटरों के साथ गटरों का पानी नालियों का पानी रोक कर ये अभी भी जो है काफ़ी जगह पे हमने देखा पानी थोड़ा सा भी जा रहा है गटरों का उस वाले से क्या यही ये सेम सुम आ रहा है वैसे पानी ये गटरों का हम इस्तेमाल करना उसके बाद छोड़ दीजिए सारा यानी वैसे ये जो पानी के साथ साथ इस पर यानी ये सेहत के लिए ठीक है ये जो फसल है वैसे क्या कहते हैं आप जैसे पानी गंदा लगता है तो सेहत के लिए कितना अच्छा होगा भाई हाँ जी जी नाज़रीन आपने देखा है कि जो यहाँ पर मुकामी है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ दिया जाए ट्यूबवेल की शक्ल में ताकि हम साफ़ सुथरा पानी इन फसल को भी लगाएं अपने जानवरों को और ख़ुद के पीने के लिए भी जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.